वर्कशॉप इवेंट हो जो थे कि गोटे डांस फॉर्म अच्छे क्रम तार क्रिएटर जे टिकनी हो सी आस 4, 5, 6 अक्टोबर को तांक सहित आउ तीन जन ओजीस आस जर्मनी साउथ कोरिया ही आस जड़े हेल्ले ट्रबल आउ स्पार्क आउ नो वन यहाँ गोटे डांस फॉर्म जोटा कि हिपहॉप टू बहुत ही अलग डांस फॉर्म जोटा कि हिपहॉप सहित यहाँ मैच करूनी आउ हिपहॉप सहित यहाँ कोलाब नुह ये डांस फॉर्म टा तो ओडिशा रे एटा बहुत ही रेयर आउ इंडिया रे एटा फर्स्ट टाइम आम क्रिएटर बिग मियो जो थे कि चार्टा क्लास देवे क्रम पर ही क्लास देवे मेनली आउ टोटल 10 क्लास हम आम ओडिशा रे जति डांसर्स अच्छा आउ इंडिया रे जति डांसर्स अच्छा से माने आसु शिखापी आउ सहित कॉन्फ्रेंस हम आउ बैटल भी हो 4, 5, 6 अक्टोबर उत्कल फिटनेस क्लब रे ही एक्सपेक्टेशन आमर जदि ओडिशा रु देखिबा ताले 100 to 150 आमे एक्सपेक्ट करूछु डांसर्स ओनली ओडिशा रु आउ आउटसाइड ओडिशा रु मिनिमम 60 to 75 पिला बिदु गोटे प्राउड मुमेंट आम डांस इंडस्ट्री जिते डांसर्स अच्छे ओडिशा रे समस्त गोटे प्राउड मुमेंट आमर ए टीम नहीं कि आसुच्च दीर्घ 15 तले जो आम 15-20 वर्ष तले जो आम डांस करते कि वर्कशॉप बोली किसी नाला तो आम ओडिशा रु डांसर्स मैंने जाऊँ बाहर मुंबई कोलकाता जाकि वर्कशॉप जॉइन करते एंड सी ट्रेंड होकर आसते शिखुले दिन आसला हरिहर भाया डांसर्स जो मैंने बाहर मुंबई जाकि इंटरनेशनली ना कर तो से गोटे टाइम थी बर्तमान एमती टाइम आसला सोशल मीडिया एत स्ट्रंग जोटा कि आज ये टीम जोटा कर बहुत बड़ कथा डांसर्स मान बिकज इंटरनेशनल डांसर्स मैंने आसवे कोरियोग्राफर्स मैंने आसवे ये आम पिला ट्रेंड करेंगे आम पिला शिखिपर आगे मुंबई आ कोलकाता जावाक पड़ोन तो मुझे भावी ये सब बड़ प्राउड मोमेंट मो तरफ गोटे ये क्लाब देखो यही डांस मैंने ही एनर्जी एंड स्पेशली ये जो तीन दिन रो प्रोग्राम अच्छी इवेंट अच्छी तीन दिन प्रोग्राम रे जमीती मोहित कहले जे वी आर एक्सपेक्टिंग 150 डांसर्स फ्रॉम ओडिशा इटसेल्फ एंड बाहर एटलीस्ट 65 to 75 डांसर्स माने मोर देन 250 प्लस डांसर्स आसवे ये सो एनर्जी बहुत बढ़िया रही है एंड आई थिंक कि आज पर्यटन जिते एमतिया इवेंट होती ये बहुत ऊपर लेवल रो एंड से यार एनर्जी आहरी अधिका रही है आई थिंक दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गेटिंग इंटरनेशनल आर्टिस्ट मैंने एत गुड़ा इंटरनेशनल आर्टिस्ट आसुच्च एंड दिस इज एन अवेयरनेस प्रोग्राम बेसिकली जो मैंने डांसर्स मैंने अच्छा ओडिशा सारे एंड जो मैंने गोटे अपॉर्चुनिटी पाई पार ना जे यही डांसर्स मानक शिखापी से दिस इज द फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी बिकज देखो पूरा ऑल अराउंड द वर्ल्ड मैंने अलग अलग चारिटा कंट्री रू आसुच्च डांसर्स मैंने एंड क्रिएटर डांसर जोटा क्रम्प जमी कहले मोहित क्रम्प डांसर क्रिएटर्स मैंने ये आसुच्च जदि गोटे डांसर शिखापी चाहब ताल फ्लाइट टिकेट्स टू आरंभ करी जीवा आसवा एंड सबू जिन चारिटा देश को जाकि पर्सनाली शिखापी इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसे इन्वेस्टमेंट हम एंड दिस इज आई थिंक ए फाइनेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द डांसर्स टू लर्न समथिंग जोटा समस्त कहते ना ओडिशा रे किसी फैसिलिटी ना रिसोर्स ना तो आई थिंक कि ये रिसोर्सटा एवं क्रिएट करा तो जिते सब डांसर्स मैंने अच्छा मो तरफ एंड मोहित एंड सब पूरा टीम तरफ पूरा डांसर्स मान तरफ दिस इज ए प्रोफेशनल फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जमीती भी हो गोटे इनविटेशन रहा जे जो मानू लगुला जो गोटे प्लाटफर्म मिलूनी दिस इज द फाइनेस्ट प्लाटफर्म दैट दे आर गोइंग टू गेट सो प्लीज कम सून रजिस्टर द प्राइसेस आर ऑल्सो वेरी नॉमिनल तुम्हें जदि निजे जाइए शिखी था मे बी एबे जो प्राइस तुम कर मे बी 99% अधिक तुम प्राइस कर सो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी सो प्लीज कम एंड जॉइन मो स्टेज नेम है बेबी हेक्टिक मो हेक्टिक फैम को रिप्रेजेंट कर जो डांस फॉर्म क्रम बेसिकली किंगडम रेडिकली अपलिफ्टेड माइटी फ्रेज ए डांस फॉर्म है बहुत ही नुआ इंडिया पे भी 2000 रे डांस फॉर्म आसला आउ इंडिया को 2013 आसला तो आम ओडिशा रे जमारु ए भाई इवेंट हैनी ओडिशा रे क्रम पर पर्टिकुलर ए डांस फॉर्म हैनी तो ए इवेंट आम कर कम्युनिटीज को स्प्रेड करियर अच्छे आमको ये डांस फॉर्म को लेकिन आउ
ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତିକି ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫର୍ମ ଅଛି ଆଉ ସବୁ କଲଚର୍ ଅଛି, ସେମିତି କ୍ରମ୍ କଲଚର୍କୁ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସର କ୍ରିଏଟର୍କୁ ହିଁ ଆଣୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ମେନ୍ଲି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ବହୁତ ସାରା ଇଭେଣ୍ଟ କ୍ରମ୍ପ ରହୁଛି, ବଟ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହେଇନି। ଆଉ ତା'ର ଯେଉଁ ଫିସ୍ ବହୁତ ହାଇ ରହେ ଆମ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣିକି ଓଡ଼ିଶା ପିପୁଲଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ନର୍ମାଲ ରଖିଛୁ, ଯେମିତିକି 10 classes 2000 ଆମେ ରଖିଛୁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଡ୍ୟାନ୍ସରମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପର୍ କ୍ଲାସ୍ 200 rupees ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫାକଲ୍ଟି ଠୁ ଶିଖିବା, ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଇଜି ୱେ ଟୁ ଲର୍ନ। ଦେନ୍ ବାହାର ଲୋକ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସାଇଡ଼ର, ସେମାନେ କ୍ରମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, 65 ରୁ 75 ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ୍ରମ୍ କ'ଣ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଫିସ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ରେ ଶିଖିସାରିଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫିସ୍ ଅଲଗା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ୟାନ୍ସରଙ୍କ ପାଇଁ ଫିସ୍ ଅଲଗା। ଦେନ୍ 4-5 ହେଲା ଆମର ୱର୍କସପ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ୱର୍କସପ୍ ପରେ ଆମର କନଫରେନ୍ସ ହେବ, ଏ ଡ୍ୟାନ୍ସରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ, ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ କଲ୍ ଆଉଟ୍ସ ହେବ, ଆମର ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛି କଲ୍ ଆଉଟ୍ସ, ସେଇଟା ବି ହେବ। ଦେନ୍ 5 ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ପ୍ରିଲିମ୍ସ, ଯେଉଁଥିରେ କି 10 କ୍ଲାସ୍ ନେଲା ପରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ସେମାନେ ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଦେବେ। ଦେନ୍ 6 ଆମର ମେନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବ୍ୟାଟେଲ୍ ହେବ, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଜର୍ଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉଟସାଇଡ଼ରୁ ସେମାନେ ଜର୍ଜ କରିବେ, ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋମେଣ୍ଟୋ ଅଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଅପସନ୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ନ୍ୟାସନାଲି ସେମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ବାହାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ, ଯେମିତିକି ଆଇକେଏଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ରମ୍ପ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଯେଉଁଥିରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରମ୍ପ ଇଭେଣ୍ଟ 2013 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଆଇକେଏଫ୍, ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ ଥ୍ରୁ BBT ଥ୍ରୁ 2025। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।